एक बार फिर से लौटते हैं, चूंकि चुनावी शोर थम चुका है, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम सभी का रुख करेंगे और जानेंगे कि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कैसा शोर सुनने को मिला है। सबसे पहले रामगोपाल के पास चल लेते हैं। रामगोपाल, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर, और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कैसा शोर सुनाई दिया, कैसे दावे और वादे वहां पर किए गए, वो आप बताइए। बिल्कुल, बांसगांव अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बार के सांसद कमलेश पासवान पे दांव आजमाया है और कमलेश पासवान भी इस बार मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है और कांग्रेस ने यहाँ पे पुराने बसपा नेता रहे सदल प्रसाद पे अपना दांव आजमाया है और सदल प्रसाद इस बार कमलेश पासवान को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बांसगांव लोकसभा सीट चूंकि सुरक्षित लोकसभा सीट है और 2009 से ही यहाँ पे 2009 से ही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि एक बार फिर से जो है इस सीट को कब्जा किया जाए और इस सीट पे अपना विजय पताका फहराया जाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे कड़ी टक्कर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के सदल प्रसाद यहां पे टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 2004 में ये सीट महावीर प्रसाद के पास थी कांग्रेस से, और जब वहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महावीर प्रसाद मंत्री भी बनते हैं, और इसके पहले भी कांग्रेस का इस सीट पे लंबे समय से दबदबा रहा है। इस सीट पे कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस जीतती रही है। हालांकि 1998 के बाद से इस पे भाजपा ने भी 2 बार विजयी श्री हासिल की थी और उसके बाद 2009 से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो और इस सीट की अगर हम स्थिति की बात करें तो इस सीट पे 18 लाख से अधिक करीब मतदाता हैं। इसकी 3 विधानसभा गोरखपुर जिले में पड़ती है जबकि 2 विधानसभा क्षेत्र देवरिया जिले में पड़ती है। ठीक है रामगोपाल, 5 विधानसभा क्षेत्र इसमें है, दोनों जिलों का ये प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि आपने देवरिया का जिक्र किया है तो हम देवरिया का रुख कर लेते हैं। वहां से उमाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प मुकाबला है, शशांक मणि त्रिपाठी और उनके सामने हैं अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि इस बार कह रहे हैं कि यहां पर हर हाल में हमारी जीत होने वाली है। आज आखिरी दिन किस तरह की तस्वीर आपने देखी वहां पर चुनाव प्रचार की? चुनाव का प्रचार पूरी तरह से थम गया है, लेकिन आज आखिरी दिन दोनों प्रत्याशी अपने दल बल के साथ पूरे शहर में घूमे, और सबसे बड़ी बात है कि जो कुशीनगर जनपद की जो 2 विधानसभा होती हैं वहां पे लगातार अपने रोड शो किया गया। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो यहां पे देश के प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे कैंपेन को अपने समर में बांधा और लोगों को जनसभा रैलियों के माध्यम से संबोधित किया। उसके बाद अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां से ये जो है गठबंधन के खाते में कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रताप सिंह, जो रुद्रपुर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका मुकाबला जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी के शशांक मणि त्रिपाठी से है। और यहां पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने पूरी कमान संभाल ली थी और उन्होंने भी रैलियां की। इस पूरे मुकाबले में जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है कि अगर हम जाति आंकड़ों को देखें तो जो 18% ब्राह्मण बाहुल्य इलाका माना जाता है वो कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ खड़ा होता दिखाई देता है, और यहां पे सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर यही स्थिति है जो आप बता रहे हैं। एक बार हम महाराजगंज का रुख कर लेते हैं उमाशंकर, वहां से आशीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, वहां पर क्या स्थिति है, आखिरी दिन कैसा चुनावी शोर वहां पर देखने और सुनने को मिला, अब जबकि चुनाव का शोर थम गया है तो क्या इस तस्वीर है वहां से? अमित, आपको बता दें कि महाराजगंज में चुनाव का शोर समाप्त हो गया है। आज आखिरी दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निचलौल में एक जनसभा को संबोधित किया और वो भारतीय जनता पार्टी पर कई तमाम आरोप लगाए, यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री अब तपस्या के लिए चले जाएंगे और जब हारेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है, यही वजह है। तो लगातार हमले का दौर था और आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। यहाँ के समीकरण की अगर बात करें तो पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और वो 6 बार से यहाँ सांसद हैं। यहाँ के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड मतदाता जो है वो अहम रहता है, क्योंकि जब भी कोई पंकज चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो यही जातीय समीकरण उनके पीछे होते हैं और जातीय समीकरण का मुद्दा हावी होता है। स्थानीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। स्थानीय मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ गन्ना किसानों का है, यहाँ कल कारखानों की बात होती है और यहाँ नौजवानों को रोजगार की बात होती है। वही स्थिति महाराजगंज में देखने को मिली। कुशीनगर से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार, वहाँ के फैक्टर्स बताइए, क्या तस्वीर, क्या स्थिति है वहाँ पर?
जी बिल्कुल, कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह खुद कुशीनगर में थे और कई दिग्गज नेताओं ने पूरी चुनाव कैंपेनिंग की है। इसके साथ ही अखिलेश एनडी गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा की और उसके बाद मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने भी रोड शो किया। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों ने अपना दमखम लगाया है चुनाव प्रचार करने में और लोगों को रिझाने में भी तमाम वादे किए हैं, तमाम अपनी योजनाएं बताई हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जातीय समीकरण या राजनीतिक समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद विजय दुबे को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं एनडी गठबंधन ने जातीय समीकरणों को साधते हुए पुंतु सिंह सैथवार पे दांव लगाई है। तो अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो कुशीनगर में बहुत रोचक मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि चूंकि एनडी गठबंधन ने जो प्रत्याशी समीकरण कितना बेहतर है सब कुछ 4 जून को ही पता चलेगा। सलीमपुर चल लेते हैं जहां से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सलीमपुर का फैक्टर बताइए, क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, आज जैसा कि 7वें चरण में ही सलेमपुर लोकसभा सीट के लिए भी इलेक्शन होना है, 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में आज 6 बजे वहां भी चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया है। इस बार वहां पर अपने पुराने सांसद को ही बीजेपी ने टिकट दिया है, रविंद्र कुशवाहा को, जबकि सपा ने रमाशंकर राजभर को टिकट दिया है और बसपा से भीम राजभर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार रविंद्र कुशवाहा बीजेपी के टिकट से वहां पर सांसद रह चुके हैं और ऐसे में बीजेपी इस बार वहां हैट्रिक बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि सपा प्रत्याशी भी अपने आप को अपने अपने दावे को मजबूत कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रमाशंकर राजभर और रविंद्र कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर चल रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि वहां पर राजभर बिरादरी और मौर्य या कुशवाहा बिरादरी की संख्या है जो वो दबदबे वाली मानी जाती है, दोनों लगभग 14% और 15% के आसपास हैं। इसी तरफ दलित ये सारे बड़े फैक्टर यहाँ पर हैं। 15% मनीष जी, आप बलिया सीट भी देख रहे हैं, वहां के सियासी समीकरण को भी समझ रहे हैं, तो संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, बलिया लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं नीरज शेखर। ऐसे में जिले में एक अलग रसूख जो चंद्रशेखर का था उसका भी उन्हें लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बलिया में 2014 और 2019 दोनों बार बीजेपी के ही सांसद चुने गए हैं, ऐसे में बलिया में भी बीजेपी चाहेगी कि वहां भी हैट्रिक बनाई जाए। हालांकि सनातन पांडे सपा उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं और वो भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव वहां पर जनसभा करने भी आए थे जिसमें भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन अमित शाह की जनसभा के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता और भूमियार जाति के कद्दावर नेता नारद राय सपा से शिफ्ट होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए मनीष बड़ी बात हो। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, एक बार रामगोपाल के पास से लेते हैं। रामगोपाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने पूर्वांचल फतेह कर लिया, समझिए कि पूरा उत्तर प्रदेश उसने फतेह कर लिया। और 2014 और 2019 में यही स्थिति रही है कि बीजेपी ने पूर्वांचल में विजय श्री हासिल की है। इस बार ओवरऑल समीकरण की बात करें तो पूर्वांचल में किस तरह की स्थिति, क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो इस बार का 2024 का चुनाव उससे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा, क्योंकि 2014 का चुनाव जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी आए थे, उनके पास गुजरात मॉडल था और साथ ही एक नए चेहरे थे, भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा था, वो एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता ने भरोसा जताया। 2019 में उन्होंने कुछ काम किए थे और इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ उसके बाद एक राष्ट्रव्यापी माहौल बना और उस माहौल के बीच चुनाव हुआ। लेकिन 2024 का जो चुनाव है ये चुनाव एकदम अलग हो रहा है। इसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं, पहली बार स्थानीय मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है और स्थानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो चेहरा है ही, विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा ना होने का लाभ प्रधानमंत्री को मिलता हुआ यहां पे दिखाई पड़ रहा है। साथ ही इस बार स्थानीय मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है, जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं उन पे भी यहां के लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ बढ़ा है तो पूर्वांचल में इस बार विकास के साथ साथ जात की भी चर्चा होने लगी है और जातिगत समीकरणों को साधने की भी कोशिश की गई है।
इन समीकरणों को 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर तरीके से साधा था, 2024 में भी उसने साधने की कोशिश की है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि पूर्वांचल की जितनी सीटों पर सातवें चरण में चुनाव है उसमें इस बार एक बार फिर से वो क्लीन स्वीप करेगी। हालांकि वो ये मान रही है कि घोसी और गाजीपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां पे उसका मुकाबला विपक्ष से है, और जितनी भी सीटें हैं वहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। दो सीटों पे उसके जो लोग हैं, उसके जो रणनीतिकार हैं, वो मान रहे हैं कि वहां पे मुकाबला होता दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम फैक्टर और स्थिति हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे जरिए दर्शकों को समझाने के लिए।